हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS अपाची RTR 162V के 2021 मॉडल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइसिंग बताऊंगा कि अभी आपको अप्रैल में क्या कुछ इसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, कितना प्राइस में इंक्रीज आया है, क्या कुछ आपको फाइनेंस स्कीम देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी फ्रेंड्स इस बाइक को परचेस करने का प्लान बना रहे थे या कोई सी भी 150-160 सेगमेंट की बाइक परचेस करने का अगर आप सोच रहे थे तो आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में फाइनेंस स्कीम को जानना। और अभी प्राइजेस भी फ्रेंड्स बाइक्स की जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल स्टार्ट हो गया है और अप्रैल में लगभग सारी कंपनीज जो है वो अपनी बाइक का प्राइजेस इंक्रीज करती है। तो ऐसे में आज हम आपको RTR का जो फुल प्राइसिंग डिटेल्स है वो बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइजेस के बारे में कि अभी आपको क्या प्राइस पे करना पड़ता है इसके लिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको टोटल दो वेरिएंट्स देखने को मिलता है, एक मिल जाता है ड्रम वेरिएंट, एक मिलता है डिस्क वेरिएंट। तो इसका जो ड्रम वेरिएंट है उसका जो एक शोरूम प्राइस अभी आपको पे करना पड़ता है वो पे करना पड़ता है 1,03,365 रुपीज़। और अगर हम बात कर लेते हैं RTO चार्जेस आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो RTO के लिए आपको लगभग में 8,270 रुपये के लगभग में पे करना पड़ेगा, 8,270 रुपीज़। और अगर हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस के लिए आपको पे करना पड़ेगा 8,780 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो अगर हम टोटल इसे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फ्रेंड्स आपको ऑन रोड जो प्राइसिंग निकल कर आता है वो आ जाता है 1,20,410 रुपीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो प्राइसिंग जो है ये 1,20,400 रुपीज़ ये हमारे एरिया का प्राइजेस है। तो आपके एरिया में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको लगभग 1,20,000 रुपीज़ से लेके 1,22,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसेस कितना इंक्रीज़ हुआ है पहले के कंपैरिजन में, तो फ्रेंड्स अगर आप पहले के कंपैरिजन में अभी देखते हैं मतलब जनवरी वगैरह के कंपैरिजन में, तो अभी जो इसका प्राइसेस है वो लगभग 2,000 से 2,500 रुपये इंक्रीज़ हो गया है एक शोरूम प्राइस में। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क वेरिएंट के प्राइस के बारे में, तो इसका जो डिस्क वेरिएंट का प्राइस है वो आपको एक्स शोरूम देखने को मिलता है 1,06,365 रुपीज़। और इसका RTO का जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा 8,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। और इसका जो इंश्योरेंस का चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा 8,800 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो अगर हम बात करते हैं ऑन रोड प्राइसिंग की, तो ऑन रोड ये आपको 1,23,700 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं आपके एरिया में क्या कुछ इस आपको प्राइसिंग देखने को मिल सकता है, तो ये जो बाइक है ऑन रोड आपको 1,23,000 से 1,25,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस वेरिएंट में, तो इस वेरिएंट में भी सेम प्राइजेस इंक्रीज़ हुआ है, 2,000 से 2,500 रुपये का प्राइजेस आपको इसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है ड्रम वेरिएंट के कंपेरिजन में। अगर आप देखते हैं डिस्क वेरिएंट में भी तो सेम ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस वगैरह के बारे में कि फाइनेंस में आपको क्या मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स अगर आप इस बाइक को परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो 30% का करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स काफ़ी टाइम ऐसे ऑफर्स भी चल रहे होते हैं जहाँ पर आपको लो डाउन पेमेंट स्कीम देखने को मिलता है, जहाँ पर आप कम से कम डाउन पेमेंट मतलब 5% तक का भी डाउन पेमेंट करके या 0% भी डाउन पेमेंट आप करके बाइक को ले जा सकते हैं। बट अगर आप जनरली परचेस करते हैं जिस समय ऑफर्स नहीं चल रहा होता है, तो उस टाइम आपको 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका 30% कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो इसके लिए 30% आपको जो पे करना पड़ता है वो आ जाता है 37,500 रुपीज़। तो अगर आप 1,25,000 में से 37,500 को माइनस कर देते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट बचता है वो बचता है 87,500 का। तो ये जो 87,500 है आपको इसी में इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि यही आपका लोन अमाउंट है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह की कि क्या आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा, तो प्रोसेसिंग चार्जेस और स्टैंपिंग चार्जेस आप बोल सकते हैं उसे, वो लगभग आपको 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में लगता है। वो आपके फाइनेंस पे डिपेंड करता है मतलब आप कौन सी कंपनी से फाइनेंस करवा रहे हैं, आपको इसी के अप्रॉक्स में लगभग देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको 2,000 रुपये का अगर हम प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर देते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट जो है वो लगभग आपसे 12-14% के बीच में चार्ज किया जाता है। तो इसका जो इंटरेस्ट निकल कर आता है 1 ईयर के लिए वो आता है 10,500 रुपीज़ का। तो अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल जो आपको अमाउंट पे करना है 1 ईयर में वो आपको पे करना है 1,00,000 रुपीज़। तो अगर आप 1,00,000 को अगर 12 मंथ से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 12 मंथ्स का स्कीम है, तो जो आपका मंथली EMI निकल कर आता है वो आता है 8,333 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये हो गया 12 मंथ्स का स्कीम। अगर हम बात कर लेते हैं 24 मंथ्स के स्कीम के बारे में, तो उसमें भी आपका जो लोन अमाउंट है वो सेम रहेगा 87,500 का, और प्रोसेसिंग चार्जेस भी सेम रहेगा 2,000 रुपीज़ का। बस इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका डबल हो जाएगा, और इसमें जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा वो पे करना होगा 21,000 रुपीज़। तो आपका जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है 24 मंथ्स में
में वो आपको पे करना है 110,500 रुपीज़। तो अगर आप इसे 24 मंथ से डिवाइड करते हैं तो जो आपका मंथली ई एम आई निकल कर आता है वो आता है 4,604 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये हो गया 24 मंथ्स का स्कीम। हम बात कर लेते हैं 36 मंथ्स वाले स्कीम के बारे में। उसमें फ्रेंड्स जो आपको इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट काफ़ी लोग जो है वो कम इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो वो इस स्कीम के साथ भी जा सकते हैं। तो इसमें भी लोन अमाउंट सेम रहेगा 87,500, इंटरेस्ट आपका इसमें जो है वो आपका सिर्फ बढ़ जाएगा और प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो सेम रहेगा 2000 का। इसका अगर हम इंटरेस्ट का बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 31,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है। तो टोटल अमाउंट जो आपको 36 मंथ्स में पे करना है वो आपको पे करना है 121,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो अगर हम इसे 36 मंथ से डिवाइड करते हैं तो जो आपका मंथली ईएमआई निकल कर आता है वो आता है 3,361 रुपीज़ का। तो ये हो गया 36 मंथ्स का स्कीम। मैंने आपको तीनों ही स्कीम्स बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से स्कीम के साथ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 24 मंथ्स वाले स्कीम के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो ईएमआई है वो भी आपका मतलब ठीक ठाक है, 4,600 रुपये के लगभग है, तो आप पे कर सकते हैं ईजिली, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा कम लग रहा है और इसमें जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो भी आप ईजिली पे कर पाएंगे। और आप 12 मंथ्स वाले स्कीम के साथ भी जा सकते हैं बट उसमें जो ईएमआई है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, मतलब 8,300 रुपीज़ के लगभग में अगर आप पे कर सकते हैं तो आप 12 मंथ्स वाले स्कीम के साथ चले जाएं क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट काफ़ी बचेगा। तो ये था फ्रेंड्स इस बाइक का पूरा ही न्यू प्राइसिंग और पूरा ही फाइनेंस डिटेल्स। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होगी इस बाइक को लेकर वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।